नाटक नूं डैश वेद कहा जाता है, पंजवां वेद कहा जाता है नाटक नूं। डैश ने नाटक नूं जिंदगी दी नकल कहा, अरस्तू ने कहा जो नाटक है ये जिंदगी दी एक नकल है। कालीदास संस्कृत दे नाटककारां विचों डैश है, श्रोमणी नाटककार मन्या जाता है कालीदास नूं संस्कृत दे नाटकां विच। नाटक दा नायक दा जिहड़ा विरोधी हुंदा वो कौन हुंदा? नायक दा विरोधी हुंदा प्रति नायक, जिसनों खलनायक भी कह दिता जाता है। रंगमंच डैश दा अहम तत् है, नाटक दा जिहड़ा अहम तत् है वो रंगमंच। नाटक लई जरूरी तीन एकतावां दे नाम, समा स्थान ते कारज। ये तीन एकतावां होनियां जरूरी है नाटक दे विच, मतलब हुंदियां पर जरूरी नहीं, ये भंग भी हो जांदियां नाटक दे विच। जरूरी नहीं हुंदा कि एक समा चल रहा उस समय अनुसार ही नाटक चले, एक सीन सवेर दा हो सकदा तां दूजा सीन जिहड़ा दुपहर जां शाम दा भी हो सकदा। स्थान दी एकता भी नहीं रहिंदी, एक सीन घर दे बाहर हो सकदा ते दूसरा सीन घर दे अंदर भी हो सकदा। ये दोनों एकतावां जिहड़ियां भंग लगभग हो ही जांदियां नाटक दे विच। ते पर कारज की एकता जी इस बना के रखने की कोशिश की जाती है। संस्कृत नाटक में हसाने पात्र की कहते हैं? विदुषक। एक कमेडियन कोई ना कोई होंगे ही है नाटकों में, फिल्मों। संस्कृत के नाटकों में भी इस तरह के पात्र होंगे सी जिन्हों विदुषक कहा जाता है। पछमी विद्वाना ने नाटक के कथा वस्तु के विकास दियाँ किनिया वस्तावं मनिया? इन्हां ने भी पंज मनियां, ते जिहड़े भारतीय आचार्य इन्हां ने भी पंज अवस्थावां मनियां। ये अवस्थावां दे विच जिवें प्रंभ, शिखर, संघर्ष, उतार जां नबेड़ा हो जाणा जां अखीर ते समाप्ति हो जाणी, इस तरह के जिहड़े एक कथा वस्तु दी है जिहड़ी उहदे विच कहानी हुंदी, उहदे विच पंज तरह के पड़ाव आउंदे आ। जिहड़े भारतीय विद्वान उह बणदे आ कि सब तो पहला हुंदा प्रंभ मतलब आरंभ, फिर प्रयत्न मतलब यतन शुरू हो जांदे आ, इस तों बाद फिर हुंदी आ आशा प्राप्ति, फिर इस तो बाद हुंदी आ नीयत प्राप्ति, फिर हुंदी आ फल प्राप्ति। पर जिहड़े पछमी विद्वान आ उह पंज अवस्थावां जिहड़ियां मंनदे आ उह मंनदे आ कि सब तो पहला तां हुंदा आरंभ जिसनों प्रस्तावना कह दिता जांदा, इस तो बाद फिर संघर्ष चलदा, कार्ज चलदा, कार्ज का विकास हुंदा। इस तो बाद फिर कहिंदे आ कि जिहड़ा नाटक अपने सिखर ते चरम सीमा ते पहुँच जांदा, स्टोरी पूरी मग जांदी आ, ते इस तो बाद फिर की हो जांदा? कहिंदे नबेड़ा हो जांदा जिहड़े भी उद्देश लई लिखिया हुंदा, ते अखीर ते फिर उसदी समाप्ति हो जांदी आ। ये दोनों ने ही पंज पंज विकास पड़ा मन्ने आ कथा वस्तु दे। इस तो बाद कुछ के जरूरी गल्लां जिहड़ियां अभ्यास दे विच नहीं आईयां पर आपां नूं पता होणियां जरूरी है नाटक नाल संबंधित। जो उह पंजवें वेद कहा जाता है, ये कहा जाता है कि जिहड़ा पंजवां वेद बनिया पहलां तां ऋग्वेद तो कथा लई गई कहानी, सामवेद तो गीत लए गए, तो यजुर्वेद तो एक्टिंग लई गई, तो जो अथर्ववेद है इस तो रस लिया गया, तो इस तरह एक पंजवां वेद होंद विच आया। ये एक काल्पनिक मतलब मन्या जाता है। अंग्रेजी का जिहड़ा शब्द ड्रामा जां प्ले आ ये नाटक के समान अर्थी शब्द है। संस्कृत दे नट नाट नृत धातु तो कहिंदे नाटक का विकास होया मन्या जाता है। संभावना है कि इत्थों ही इसका विकास होया होगा। नट नाट जां नृत, नृत जिहड़ा नचना उहदे विच भी हिलजुल हुंदी है, ते नाटक विच भी एक्टिंग करदे हुए जिहड़े एक्टिंग अंगां दी हिलजुल हुंदी है, नृत नूं भी मन्या जाता है। पंजाबी दा प्रथम नाटककार ईश्वर चंद्र नूं मन्या जांदा जिहड़ा आधुनिक पंजाबी नाटक है। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है नाटक नाल संबंधित, इस दी रचना भरत मुनि ने कीती है। ये नाटक नाट्य शास्त्र ग्रंथ याद रखना भरत मुनि दी रचना है। इस तों बिना दो नाटकों के नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, एक कालीदास दा नाटक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो बहुत होर देशां दीआं वख-वख भाषावां दे विच वी ये उत्थे खेडिया गया नाटक है, मतलब ये अनुवाद होया होर बहुत सारियां भाषावां दे विच पहला नाटक। अगला नाटक है अमरिश कटिक, यह है इहदा नाम भी पुछ लिया जांदा, यह है मिट्टी दा गडीरा, जिस दी रचना कीती इस नाटक दी शोधरक ने कीती सी। अगे है प्राचीन आचार्य जिहड़े ये नाटक दे तीन तत् मंनदे आ, ते पर जो अपने डॉक्टर गोबिंद तिरगुण नाई तो यह पंज तत् मानते हैं, पर पछमी विद्वाना के अनुसार आप चलीए तो यह मानते हैं कि नाटक के छे तत् होंगे। इतने ध्यान रखना आप गल कर रहे मुख्य तत्तों की, वैसे तो होर भी बहुत सारे नाटक के तत् होंगे जिमें रंगमंच भी होंगे, पर यह रंगमंच की गल नहीं कर रहे, ये मुख्य तत् कर रहे हैं कि छे तत् होंगे नाटक में। कथा पात्र वार्तालाप देशकाल जिसनों वातावरण भी कह दिता जाता,
ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟਕ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਆ। 10 ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਨੇਤਾ, ਹੀਰੋ, ਨਾਇਕ, ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਇਕਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਸਤੂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਥਾਨਕ ਨੂੰ, ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਨਕ, ਕਥਾਨਕ ਕਥਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਟ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਟਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ। ਹਰਚਰਨ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨੋਰਾ ਰਿਚਡਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਟਕ ਆ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੇ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਭਿਨੇ ਕਰਕੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾਟਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਤਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਾਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਚਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਕਟਿੰਗ, ਵਚਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਅੰਗਿਕ, ਫਿਰ ਮੁੜਕਾ, ਹੰਝੂ ਸਿੱਟਣੇ, ਕੰਬਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਤਵਿਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵਸਤਰ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਾਰਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ।